हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SS एग्ज़ाम। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि हम अकाउंट बुक जो है अपने ने स्टार्ट कर रखी है, राइट। तो अकाउंट बुक के अंदर दो चैप्टर हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज दोस्तों अपने चैप्टर नंबर 3 जो कि है जनरल प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ अकाउंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है दोस्तों, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसके 3 से 4 वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी, शूट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो अब तक अपनों ने पढ़ा है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के अंदर, वो मैं आपको रिवाइज़ करवाता हूँ। दोस्तों आगे बढ़ने से कोई मतलब नहीं है जब तक आपको पीछे की चीज़ें याद ना हो, राइट। तो इसलिए पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में जो डिस्कस किया है पूरा मैं आपको याद करवाऊंगा। 7 से 8 मिनट मुझे लगेंगे, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 इसमें स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और वीडियो को दोस्तों स्किप मत कीजिएगा। जो रिवीजन करवाते हैं सबसे मेन चीज़ यही रहती है, जो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। एक ही पेज पर मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के सारे जो मेन मेन चीज़ें थी जो जो अपनों ने पढ़ा था वो सारे मैं आपको याद करवाता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 था जो जनरल जो अपने जानकारी दी गई थी अकाउंट कोड के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फाइनेंस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द सुटेबल अकाउंट्स ऑफ द डिफेंस सर्विसेज, राइट। MOD फाइनेंस को जिम्मेदारी दी गई है जो सुटेबल अकाउंट्स मेंटेन करे डिफेंस सर्विसेज रिसिप्ट एंड चार्जेस से रिलेटेड, ठीक है। सेकंड नंबर क्या था, जल्दी से खत्म करेंगे दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे। अपने फॉर्म्स जो हैं जो डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर उनके ऑफिसेज के अंदर मेंटेन होते हैं, जो फॉर्म्स जो के जो अकाउंट्स जो मेंटेन करते हैं अपने, वो फॉर्म CGDA प्रेस्क्राइब करेगा, ठीक है। और किस में अप्रूवल लेनी पड़ेगी, डिफेंस सेक्रेटरी की और फाइनेंशियल एडवाइज़र की, ठीक है। जो फॉर्म मेंटेन होंगे वो CGDA प्रेस्क्राइब करेंगे, किसकी अप्रूवल पे, डिफेंस सेक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर इन फॉर्म्स में कोई चेंज करना है तो CGA और CAG की प्रीवियस सेंक्शन इसमें लेनी पड़ेगी, राइट। और उसके बाद हमने पढ़ा डिपार्टमेंटलाइजेशन है, 1976 को हुआ 1 अक्टूबर को। इसके बाद जो है डिपार्टमेंटलाइजेशन के बाद CGA नाम का एक पद क्रिएट किया गया जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी मिनिस्ट्री या विभागों के अकाउंट्स मेंटेन करता है, एनुअली फाइनेंस अकाउंट मेंटेन करता है, राइट। और दोस्तों जो सेक्रेटरी थे उनको चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी का दर्जा दिया गया सभी डिपार्टमेंट्स के, राइट। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन ये हुआ। और 1976 से पहले दोस्तों जो स्टेट और सेंटर के गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स के अकाउंटिंग और ऑडिट का जो काम था वो CAG का था। दोस्तों दो टर्म है आपको याद रखनी है, एक होती है अकाउंटिंग, एक होती है ऑडिटिंग। अकाउंटिंग मतलब लेखांकन और ऑडिटिंग होती है लेखा परीक्षा। तो फ्रेंड्स, जब भारत आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तो 1976 तक CAG जो है सारे स्टेट्स इंक्लूडिंग UT और हमारे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री और विभाग हैं सारे के जो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग जो है वो सारा काम CAG करता था, ठीक है। CAG करता था। अकाउंटिंग का मतलब है जो आप पैसा खर्च कर रहे हो वो कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हो उसका सारा लेखा जोखा रखना, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग, लेखांकन। ऑडिटिंग मतलब जांच करना जो आपने पैसा खर्च कर दिया, ठीक है। तो जिस जिस मद पे खर्च किया है, जिस जिस ग्रांट पे आपने खर्च किया है उसकी जांच करना को बोलते हैं ऑडिटिंग। ऑडिटिंग एक प्रकार की जांच है, अकाउंटिंग मतलब एक प्रकार का उसको लिखना है, उसके अंदर जांच शामिल नहीं होती, राइट। तो देखिए दोस्तों, 1976 से पहले CAG का काम था अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों करना, स्टेट और सेंटर की, ठीक है। 1976 के बाद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री जो है दोस्तों, उनका जो अकाउंट्स जो है मेंटेन करने की जिम्मेदारी वो CGA को दी गई, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में। और दोस्तों आज वर्तमान में भी जो स्टेट के अकाउंट्स जो हैं और जो उनकी ऑडिटिंग है वो CAG करता है, ठीक है। ऐसे समझिए स्टेट और सेंटर दो हो गए, ठीक है। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दो होगी, स्टेट के अंदर CAG करेगा अकाउंटिंग भी और ऑडिटिंग भी CAG करेगा, सेंटर के अंदर अकाउंटिंग करेगा CGA और ऑडिटिंग करेगा CAG, ठीक है। स्टेट के अकाउंट और ऑडिट दोनों CAG के सबऑर्डिनेट ऑफिसेज जो है, जैसे AG ऑफिस अपने जिनको बोलते हैं अकाउंटेंट जनरल, ठीक है, उनकी जो ब्रांचेस है CAG की वो करेगी। और सेंटर के अंदर CGA तो अकाउंट्स बनाएगा और दोस्तों CAG जो है उसकी जाँच करेगा, ठीक है। इसको कागजी या शेयर बोलते हैं दोस्तों CAG को, ठीक है। एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, जिनका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक एक कॉलम दिया हो जिसका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जिक्र किया गया हो। और दोस्तों बहुत बड़ा पद है CAG का, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला क्या था, DAD जो है दोस्तों डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट, वो दो प्रकार की दोस्तों पेमेंट करता है, ठीक है। दो प्रकार के अकाउंट्स मेंटेन करता है, उनकी पेमेंट करता है। पहला तो डिफेंस से रिलेटेड, डिफेंस सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। और फ्रेंड्स जो MOD के अंदर बहुत सारी सिविल ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, उनकी जो सिविल ग्रांट से MOD पेमेंट करता है उनके लेखा भी हमें अकाउंटिंग हम उनकी करते हैं, ठीक है। दोस्तों DAD डिफेंस सर्विसेज का तो बनाते ही बनाता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का। इसके अलावा फ्रेंड्स बहुत सारी सिविल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसकी लिस्ट दी गई है चैप्टर नंबर 1 के अंदर, आप उसके जाके देख सकते हो, ठीक है। अगला है CGDA की ड्यूटी क्या है दोस्तों, SAT प्रिपेयर करता है, स्टेटमेंट ऑफ सेंट्रल ट्रांजेक्शन, याद आ रहा होगा डायग्राम आपको। SAT प्रिपेयर करके एक तो ऊपर DGADS को, ठीक है, एक इधर CGA को, फिर DGADS को ऑडिट सर्टिफिकेट करके CGA को, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। SAT प्रिपेयर करता है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता है MOD सिविल का, ठीक है। PCDS CDA को बातचीत करनी है CAG और CGA से तो रूटीन मैटर पे कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा वो डायरेक्ट चैनल ब्रेक नहीं कर सकता CGDA का। PCDS CDA को बातचीत करनी है सर्विस हेडक्वार्टर और MOD फाइनेंस से तो रूटीन मैटर पे भले ही करे। रूटीन मैटर दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रूटीन मैटर क्या होते हैं दोस्तों, अरे रूटीन कोई जनरल कॉरेस्पॉन्डेंस, आपके ऑफिस के अंदर जनरल कॉरेस्पॉन्डेंस की फाइल, उसको उठा के देखना, वो सारे रूटीन मैटर ही रहते हैं हमारे, राइट। कोई स्पेशल नहीं है, कोई रूटीन मैटर है किसी के बारे में कुछ पूछना हो, कुछ उन्होंने सूचना मांगी हो, मतलब जनरल जो टॉपिक है, कोई रूल का इंटरप्रिटेट नहीं करना, कोई प्रोसीजर में चेंज नहीं करना। अगर ऐसी कोई बात होगी तो PCDS CDA CGDA के थ्रू जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे CAG और CGA था दोस्तों, ध्यान रखना रूटीन मैटर पे दो हैं, एक तो CAG और CGA था और एक अब क्या है,
सर्विस हेडक्वार्टर और एमओडी फाइनेंस, ठीक है। और दोस्तों ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं, जनरल आउटलाइंस ऑफ द सिस्टम ऑफ अकाउंट। सबसे पहले दोस्तों तीन प्रकार के फंड है, 266 का 1, 266 का 2, 267। ये है संविधान के आर्टिकल्स। इनके अंदर कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट और कंटीजेंसी फंड 267। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर कौन सा पैसा आता है? टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। लोन्स रेज्ड बाय इशू ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बिल इशू करके गवर्नमेंट लोन रेज करती है। वेज एंड मीन एडवांसेस, ठीक है। और लास्ट क्या था दोस्तों? एक इसमें लास्ट और आ जाएगा दोस्तों, रीपेमेंट ऑफ लोन्स का, ठीक है। गवर्नमेंट में किसी को लोन दिया जाता तो उसकी वो रीपेमेंट करेगा इंटरेस्ट के साथ, तो इसमें कंसीडर करते हैं। अब दोस्तों पूछते हैं वेज एंड मीन एडवांसेस क्या होते हैं। दोस्तों एक आपको इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, बाकी कुछ याद नहीं रखना, ओके। टेम्परेरी एडवांस आरबीआई जो गवर्नमेंट को देती है, एक टेम्परेरी एडवांस है दिया गया आरबी के द्वारा गवर्नमेंट को, ठीक है। टू टाइड ओवर मिसमैच इन रिसिप्ट एंड पेमेंट, राइट। दोस्तों गवर्नमेंट के पास जब रिसिप्ट और पेमेंट में मिसमैच हो जाता है तो एक टेम्परेरी एडवांस दिया जाता है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। मान लो पेमेंट ज़्यादा होगी, रिसिप्ट कम है, ठीक है, पैसा की कमी पड़ रही है गवर्नमेंट को, तो आरबीआई के द्वारा एक सुविधा दी जाती है, राइट। उसको बोलते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस, वेज एंड मीन्स एडवांसेस। एडवांसेस देखो इसमें भी आ रहा है एडवांस, राइट। आगे चलिए दोस्तों कंटीजेंसी फंड के बारे में, तो आर्टिकल मैंने बता दिया 267, ठीक है। ये प्रेसिडेंट के बिहाफ पे सचिव जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर नहीं आएगा, यही तो मैंने इसलिए तो लिखा है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर का सचिव जो है वो इसको अपने प्रेसिडेंट के बिहाफ पे इसको रखता है, राइट। कंटीजेंसी फंड दोस्तों एक प्रकार का इंप्रेस्ट फंड है, कभी अनफॉर्सीन एक्सपेंडिचर होगा तो आपको कंटीजेंसी फंड से पैसा निकाल सकते हो, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों इसके बाद मैंने बताया आपको पब्लिक अकाउंट के बारे में, आपको पता ही है कि जो पब्लिक अकाउंट सरकार के पास है, ठीक है, जो अपने पैसा उनको जमा करवाते हैं वो एक कस्टोडियन के रूप में उस पैसे को रखती है, और जब हमें जरूरत होगी एक सर्टेन लॉक इन पीरियड के बाद वो हमें वापस कर देगी सुसमेत, राइट। इसके बाद दोस्तों ये तीन आर्टिकल याद रखें, 112, 114, 116, बजट अप्रोप्रिएशन अकाउंट, वोट ऑन अकाउंट। बजट अप्रोप्रिएशन अकाउंट, वोट ऑन अकाउंट, 112, 114, 116, दो दो का गैप है। एक बजट अप्रोप्रिएशन, वोट ऑन अकाउंट, बजट अप्रोप्रिएशन, वोट ऑन अकाउंट, BAV, ऐसे याद रख लो, बजट अप्रोप्रिएशन अकाउंट, वोट ऑन अकाउंट, BAV। आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट दोस्तों क्या करती है? रिसिप्ट करती है, करेक्शन ऑफ पेमेंट करती है। आरबीआई दोस्तों गवर्नमेंट के बिहाफ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे पेमेंट का कलेक्शन करती है, रिसिप्ट करती है, ये सारा काम आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट करती है, राइट। यहाँ पे सचिव मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर प्रेसिडेंट के बिहाफ पे काम करता है। दोस्तों किसी के बिहाफ पे काम करना, ठीक है, उसको आपको देखना है इन चीज़ों को। फिर है आरबीआई सीएस नागपुर जो दोस्तों सबका अकाउंट मेंटेन करता है, सबका बाप है ये आरबीआई सीएस नागपुर, राइट। और रेलवे, पोस्ट, टेलीकम्युनिकेशन, एजी के, स्टेट्स के, डिफेंस के, सबके अकाउंट है इसके पास आरबीआई सीएस नागपुर के पास, ठीक है। सबने वहाँ पे अपने अकाउंट इसमें ओपन हो रखे हैं, राइट। आगे देखिए दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट से बात करेगी तो कैश बेसिस पे करेगी, बाय इशू ऑफ चेक, बाय डीडी, राइट। अगला देखिए दोस्तों पोस्ट, रेलवे, सप्लाई, एमईए, आपस में सेटल बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे? पोस्ट, रेलवे, सप्लाई और एमईए, सप्लाई इन विट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, तो आपस में दोस्तों जब बात करेंगे तो सेटलमेंट अकाउंट के जरिए करेंगे। इसके अंदर मैंने आपको बुक डेबिट का कंसेप्ट बताया, राइट। आर्मी अगर एमईएस या आरएनडी को सामान देगी, सामान इन द सेंस पेट्रोल और डीजल, राइट, 87 MT और DHPP नॉर्मल, राइट, तो हमें पीबीडी वाउचर भेजेगी। पीबीडी वाउचर पे हम दोस्तों कोड हेड लगा के उसके अंदर अपने उसके कंसर्न जो है आरएनडी के या एमएस के केस में बात करूँ तो एओजी को पीबीडी वाउचर अपने भेज देंगे, वहाँ पे वो टीई यानी ट्रांसपेरेंट करके पंचिंग मीडियम प्रिपेयर करेंगे और दोस्तों उनके खाते से उनका अकाउंट डेबिट करके आर्मी का अकाउंट, डिफेंस का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, राइट। इसके बाद दोस्तों लोन अगर स्टेट को इशू करना है तो 76 के अंदर करोगे, ठीक है, ये मेजर हेड है 76। और दोस्तों AODAD अमडी का ऑफिस जो है ये सब वो सारे काम करता है, राइट। इसके बाद दोस्तों ऑल इंडिया कंसोलिडेटेड कंपाइलेशन आपको बनाना है तो कौन बनाएगा? EDP सेक्शन ऑफ दिल्ली कैंट, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों रेलवे, पोस्ट और सप्लाई को डिफेंस से बात करनी है तो ये आ गया सेटलमेंट अकाउंट के जरिए। दोस्तों पोस्ट, रेलवे, सप्लाई, एमईए को आपस में बात करेंगे तो बुक सेटलमेंट अकाउंट, और रेलवे, पोस्ट ऑफिस तीनों डिफेंस से बात करेंगे तो सेटलमेंट अकाउंट, ठीक है। और दोस्तों स्टेट और स्टेट अगर स्टेट की ट्रेजरी जो है दूसरे स्टेट से बात करेगी तो सेटलमेंट अकाउंट के जरिए, और दोस्तों स्टेट की ट्रेजरी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करेगी तो ये कैश बेसिस पे होगा, राइट। और दोस्तों डिफेंस सर्विसेज जो है इन मिनिस्ट्रीज़ के अलावा अगर कोई अलग मिनिस्ट्री से बात करेगा तो कैश बेसिस पे होगा। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सर डिफेंस जो है एमईए से करेगा तो कौन सा मोड ऑफ सेटलमेंट होगा ट्रांजेक्शन का? तो दोस्तों 1000% कैश बेसिस पे होगा। ओनली डिफेंस जो है इन तीन मिनिस्ट्री से जो बात करता है वो सेटलमेंट अकाउंट के जरिए करता है, क्योंकि दोस्तों हमारी बहुत सारी बल्क की ट्रांजेक्शन इन डिपार्टमेंट से होती है, राइट। आगे चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद हमने क्या पढ़ा दोस्तों? BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा। इसके में एक सवाल पूछा था कि BRO के जो अकाउंट्स तो हम ही मेंटेन करते हैं लेकिन फाइनली हम किसके हेड को ट्रांसफर करते हैं? तो मोर्थ को करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, 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 मोर्थ, ठीक है। कोस्ट गार्ड की बात आएगी दोस्तों फाइनली हम किसको करेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, कोस्ट गार्ड की बात आएगी, ठीक है। दोस्तों एक अगला एक इसके अंदर छोटा सा टॉपिक और था कि कुछ ट्रांजेक्शन जो है डिफेंस की वो यूके के अंदर अराइज होती है लेकिन जिनका सेटलमेंट इंडिया के अंदर होना है, ठीक है, तो पास कर दी जाती है IELA से, इनवार्ड लंडन अकाउंट से, ठीक है। सेंट्रली कौन डील करता है इन सारी ट्रांजेक्शन को? PCDA न्यू दिल्ली, ठीक है। सेंट्रली PCDA न्यू दिल्ली ने सारी ट्रांजेक्शन को
सेंट्रल हैंडल कर लिया, ठीक है। इसके बाद ये दोस्तों कंसर्न पीसीडी सीडीओ को उन ट्रांजेक्शन को रेफर कर देता है थ्रू डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट, राइट। दो पीसीडी सीडीओ आपस में बात करेंगे तो डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट के जरिए करते हैं। और दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, पीसीडी सीडीए कौन से ओएम पार्ट के अंदर कोरेक्शन करता है, पीसीडी सीडीए कौन से ओएम पार्ट के अंदर करेक्शन करता है। दोस्तों वीडियो को पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए अभी। तो दोस्तों याद आया कुछ, बताता हूँ आपको, पीसीडी न्यू दिल्ली ओएम नंबर 12 में अपडेट करता है, करेक्शन करता है। 11 और 14 में कौन करता था दोस्तों, आरएनडी। 13 के अंदर कौन करेगा, 13 फीट की सड़क बनानी है, बीआरओ, राइट। 1, 5, 10, 15 हमारे स्टॉपेज थे, याद आ रहा है दोस्तों कुछ, ओएम नंबर 1 का 500 नंबर पैरा, जिसने नहीं देखा है शॉर्ट ट्रिक पड़ी है यूट्यूब पे चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक है। दो दो जगह मैंने इसको पढ़ाया, दो या तीन जगह पढ़ाया उसको मैंने, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों, आगे क्या आता है हमारे पास, अप्रोप्रिएशन अकाउंट दोस्तों डिफेंस सर्विसेज का कौन बनाता है, फाइनेंशियल एडवाइजर डिफेंस सर्विसेज, जिसको आप सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस बोलते हैं, ठीक है। इस पे साइन कौन करेगा दोस्तों, डिफेंस सेक्रेटरी डिफेंस सर्विसेज के। और दोस्तों डिफेंस सिविल का कौन बनाएगा, सीजीडीए साइन, सीजीडी का ऑफिस बनाएगा, सीजीडीए साइन करेगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, उन्होंने 5 MCQ डिस्कस किए थे और आपको बोला था कि कमेंट में जवाब देना है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं आपको उनके जवाब देता हूँ, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, 5 MCQ जो मैंने पढ़ाए थे आपको, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट फॉल अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 266 का एक कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड 267 और पब्लिक अकाउंट है 266 का सेकंड, राइट। अगला दोस्तों, ऑल ट्रांजेक्शन एडजस्टमेंट बिटवीन अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट के बीच के अंदर किस बेसिस पे होगा, कैश बेसिस पे, अथॉरिटी देखनी पैरा नंबर 19B में चले जाइए, ठीक है। तीसरा, ऑल इंडिया कंसोलिडेटेड कंपाइलेशन फॉर डिफेंस सर्विसेज रिसीप्ट एंड चार्जेस प्रिपेयर्ड बाय, ऑल इंडिया कंसोलिडेटेड कंपाइलेशन ऑफ डिफेंस सर्विसेज कौन करता है, ईडीपी सेक्शन ऑफ द सीजीडीए दिल्ली कैंट, राइट। अगला है दोस्तों, हु मेंटेन सेंट्रल जनरल एनर्जी, सीजीए बनाता है भैया। पांचवा है दोस्तों, ट्रांजेक्शन बिटवीन डिफेंस सर्विसेज एंड नॉन गवर्नमेंट बॉडी, डिफेंस सर्विसेज और नॉन गवर्नमेंट यानी प्राइवेट बॉडी के साथ आपको करनी है, कोई इंस्टीट्यूशन के साथ, इंडिविजुअल के साथ, उसके साथ दोस्तों एक्चुअल पेमेंट या एक्चुअल रिकवरी आपको करनी पड़ेगी दोस्तों। एक ये भी एक प्रकार का कैश बेसिस ही है ये मोड भी, ठीक है। इसका बस नाम अलग दे दिया, एक्चुअल पेमेंट, एक्चुअल रेवेन्यू, एक्चुअल रिकवरी, मतलब थोड़ा फील ज़्यादा आ जाए, प्राइवेट बॉडी होगी ना या नॉन गवर्नमेंट, ठीक है। इसकी अथॉरिटी आप 23 में D में जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों आप स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 3। ये दोस्तों चैप्टर नंबर 3 में क्या दिया है, सबसे पहले पीरियड ऑफ अकाउंट, मतलब अकाउंट किस पीरियड से किस पीरियड के अंदर मेंटेन रहते हैं। तो दोस्तों 29 नंबर पर अगस्त 2016 के प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछा गया है, द एनुअल अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट विच द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इज रिक्वायर्ड टू रेंडर शेल रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन विच टेक प्लेस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर रनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। द एनुअल अकाउंट्स विच द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इज रिक्वायर्ड टू रेंडर, दोस्तों क्या बोल रहा है, सेंट्रल, स्टेट और यूनियन टेरिटरी के जो अकाउंट जो है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक अगले साल की मेंटेन होते हैं, ठीक है, जो हम सीजीए को ट्रांसफर करते हैं या जो सीजीए बनाता है, ठीक है, ये बात इसमें बोली गई है, राइट। अगला देखिए दोस्तों, अगस्त 2016 में फिर पूछा गया, इसमें नोट जो कंसीडर किया गया, द गवर्नमेंट अकाउंट्स ऑफ ईयर का आर केप्ट ओपन फॉर अ सर्टेन पीरियड इन द फॉलोइंग ईयर फॉर कंप्लीशन ऑफ वेरियस अकाउंटिंग प्रोसेसेस इन रेस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ मार्च। दोस्तों क्या होता है, एक तो इसके अंदर फॉलोइंग ईयर की बात ध्यान रखिए और एक मार्च की बात, जो मार्च के जो अकाउंट है दोस्तों कई बार क्या होता है, उनकी जो ट्रांजेक्शन जो है 31 मार्च तक कंप्लीट नहीं हो सकती, ठीक है, और उस उन ट्रांजेक्शन को, उन पेंडिंग ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें मार्च के अकाउंट को, मतलब प्रीवियस ईयर के अकाउंट को थोड़े दिन आगे हमें उसको खोलना पड़ता है, मतलब उसको ओपन रखना पड़ता है, फॉलोइंग ईयर मतलब नेक्स्ट 1 अप्रैल से 31 मार्च तक सेशन खत्म हो गया फाइनेंशियल ईयर, इसके बाद जो मार्च के जो अकाउंट्स हैं वो हमें अप्रैल में भी इनको आगे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, ठीक है। तो कितनी तारीख तक होंगे, तो क्या क्या रोल है, किस किस डिपार्टमेंट का, आरबीआई का क्या रोल है, तो अपने देखते हैं आगे। चलिए आगे क्या बोल रहे, देखिए दोस्तों, द गवर्नमेंट अकाउंट्स आर केप्ट ओपन इन द फॉलोइंग या नेक्स्ट ईयर, फॉलोइंग बोलते हैं नेक्स्ट ईयर, फॉर कैरिंग आउट सर्टेन इंटर डिपार्टमेंटल एडजस्टमेंट थ्रू द सीएसआरबी नागपुर। दोस्तों इंटर डिपार्टमेंटल एडजस्टमेंट है, ध्यान रखिए एक डिपार्टमेंट जो है दूसरे डिपार्टमेंट के साथ ट्रांजेक्शन को सेटल आउट कर रहा है, ठीक है। वो कब दोस्त कब तक ओपन रखते हैं हम, 15 अप्रैल तक, ठीक है, ओपन इन द फॉलोइंग ईयर या नेक्स्ट ईयर कब तक, 15 अप्रैल तक, ठीक है। फॉर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स ऑफ सेवरल प्रोविडेंट फंड और सस्पेंस हेड, दोस्तों प्रोविडेंट फंड और सस्पेंस हेड से रिलेटेड सारी जो ट्रांजेक्शन है हमें कंप्लीट करनी पड़ती है, इसलिए हम 15 अप्रैल तक खातों को ओपन रखते हैं। और दोस्तों सस्पेंस हेड क्या होता है, सस्पेंस हेड होता है दोस्तों, हमें किसी ट्रांजेक्शन को मान लो अकर करना है, ठीक है, कोई ट्रांजेक्शन करनी है और दोस्तों उसका हमें पर्टिकुलर कोड हेड नहीं पता, मान लो एक टाइम पे, तो हम उसको सस्पेंस में डाल देंगे। और दोस्तों सस्पेंस का ये भी होता है कि मान लो बहुत सारी ट्रांजेक्शन है, ठीक है, और उनका दोस्तों जहाँ पे उनका सेटलमेंट होगा उनका कोड हेड एक ही है, ठीक है, तो एक बार हम उसको दोस्तों बल्क की ट्रांजेक्शन को सेटल करने के लिए जिनका कोड हेड पर्टेन टू द सेम कोड हेड, दैट ट्रांजेक्शन विच पर्टेन टू द सेम कोड हेड आज आर फर्स्टली पुट इन द सस्पेंस हेड, ठीक है, पहले इनको सस्पेंस हेड में डाल देंगे, उसके बाद सस्पेंस हेड से अपने उसको उनका एक्चुअल क्लासिफिकेशन कर देंगे, ठीक है। एक्चुअल क्लासिफिकेशन का मतलब है उनको जो जिस कोड हेड से ट्रांजेक्शन पर्टेन करती होगी उसके अंदर उसका ट्रांसफर कर देंगे, राइट। 15 अप्रैल तक अपने दोस्तों ओपन रखेंगे, ठीक है, और इंटर डिपार्टमेंट ट्रांजेक्शन होगी, इसके अंदर प्रोविडेंट फंड टाइप की ट्रांजेक्शन और सस्पेंस हेड टाइप की ट्रांजेक्शन जो है वो करी जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों पैरा नंबर 8 जो है आगे के चैप्टर में दिया हुआ है वो भी इसी से रिलेटेड था, तो मैं सोच रहा हूँ लगे हाथ उसको भी पढ़ लें। तो क्या दिया हुआ फ्रेंड, देखिए एडजस्टमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द मंथ्स ऑफ फरवरी एंड मार्च, फरवरी और मार्च की ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कुछ अलग नियम बताए गए हैं आरबीआई को, द बुक्स ऑफ द आरबीआई फॉर द मंथ ऑफ मार्च विल बी क्लोज्ड बाय द 15 अप्रैल। दोस्तों मार्च के लिए आरबीआई की बुक्स जो है 15 अप्रैल तक ओपन रहेगी या 15 अप्रैल तक क्लोज होगी, कैसे भी बोल दो, ऑन
और ऑन ए डेट नोटिफाइड विद देम, या फिर वो एक अलग कोई डेट भी इसमें बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो देखिए मतलब पहले 15 अप्रैल बोल दिया, जनरली यही होगा। अगर फिर भी मान लो बहुत ज़्यादा जरूरत है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो कुछ दिन के लिए और ओपन रख सकते हैं। आफ्टर विच इसके 15 अप्रैल के बाद नो ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग इंटर गवर्नमेंटल एडजस्टमेंट, इंटर डिपार्टमेंटल एडजस्टमेंट, इंटर गवर्नमेंट एडजस्टमेंट, एक ही बात है, विल बी क्लियर बाय द बैंक इन दैट मार्च अकाउंट। इस तारीख के बाद दोस्तों, या तो 15 अप्रैल या वो RBI एक कोई तारीख देता है मान लो, तो इसके बाद इंटर डिपार्टमेंटल इंटर गवर्नमेंटल की कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी। आगे चलिए, आगे देखिए फ्रेंड्स क्या हो दिया गया। एनी एडजस्टमेंट पर्टेनिंग टू द प्रीसीडिंग ईयर शुड बी टेकन इन टू द अकाउंट्स ऑफ द सब्सिक्वेंट ईयर। ठीक है, और दोस्तों इस लाइन का मतलब क्या हुआ, एनी एडजस्टमेंट पर्टेनिंग टू द प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर शुड बी टेकन इन टू द अकाउंट्स ऑफ द सब्सिक्वेंट ईयर। दोस्तों दो शब्द यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, प्रीसीडिंग और सब्सिक्वेंट। प्रीसीडिंग ईयर का मतलब है कि जो अकाउंट जो है अगले साल तक ओपन है, मतलब पिछला साल, और सब्सिक्वेंट मतलब आने वाला साल। तो दोस्तों जो भी एडजस्टमेंट पर्टेन करेगी प्रीवियस ईयर से, वो हम दोस्तों नेक्स्ट ईयर के अकाउंट्स में इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये बात इसमें बोल रहे हैं। ठीक है, मान लो एक अप्रैल से दोस्तों जो भी ट्रांजेक्शन सेटल होगी और वो रिलेट तो करती होगी मार्च से पिछले, ठीक है, लेकिन हम उसको उसी करंट ईयर के अकाउंट के अंदर उसको एडजस्टमेंट करेंगे। राइट, अगला दोस्तों, एडजस्टमेंट मे बी मेड आफ्टर द क्लोज ऑफ द ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट मे बी मेड आफ्टर द क्लोज ऑफ द ईयर एडजस्टमेंट में भी मेड आफ्टर द क्लोज ऑफ द ईयर इन रिस्पेक्ट टू मिस्ड पोस्टिंग एंड मिस्ड क्लासिफिकेशन कमिंग टू द नोस्टर ऑफ नोटिस आफ्टर 31 मार्च। दोस्तों क्या होता है कि 31 मार्च के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई कोड हेड गलत ऑपरेट कर दिया, अमाउंट का गलत क्लासिफिकेशन कर दिया, ठीक है, पहुँचाना कहीं और था, भेज कहीं और दिया, ठीक है, तो दोस्तों उस केस के अंदर क्या होगा, 31 मार्च के बाद भी एडजस्टमेंट करी जा सकती है। ठीक है, कोशिश करते हैं 31 मार्च तक हो जाए, फिर भी 15 अप्रैल तक खींचते हैं। ठीक है, और दोस्तों मिस पोस्टिंग और मिस क्लासिफिकेशन हो जाए, वो काम भी हम 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक कर सकते हैं। ठीक है, एक तो फ्रेश चीज़ों को क्लासिफाई करना, एक दोस्तों जो मिस पोस्टिंग और मिस क्लासिफिकेशन हुआ है उसको क्लासिफाई करना। राइट, आगे देखिए, एन एक्चुअल ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस आफ्टर 31 मार्च, और जो ये पिछले मार्च वाले ट्रांजेक्शन की बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है 1 अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर से, फ्रेश फाइनेंशियल ईयर से, तो उसकी जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन होगी वो पिछले साल से पर्टेन नहीं कर रही होगी। ठीक है, तो अपने को उस अकाउंट में उसको नहीं डालना है जो 15 अप्रैल तक उसमें खुला है। ठीक है, ये भाई इसमें बात हो, एक्चुअल ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस आफ्टर 31 मार्च, एक्चुअल ट्रांजेक्शन तो 31 मार्च के बाद हो रही है, शुड नॉट बी ट्रीटेड एज पर्टेनिंग टू द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, उसको प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से हमें पर्टेन नहीं करवाना है। ठीक है, हालांकि पिछले साल के अकाउंट्स भले ही ओपन, उसके अंदर उसको नहीं डालना है अपने को। 31 मार्च के अकाउंट बाद जो अकाउंट ओपन है दोस्तों, अगस्त 2016 के अंदर पूछा गया है, उनको क्या क्या बोलते हैं, दो नाम है दोस्तों, मार्च सप्लीमेंट्री करेक्शन और 1 और 2, सप्लीमेंट्री 1 सप्लीमेंट्री 2, याद करने वाली बात है, कोई लॉजिक नहीं है, मार्च सप्लीमेंट्री करेक्शन, सप्लीमेंट्री 1 और सप्लीमेंट्री 2। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हो, मार्च सप्लीमेंट्री कौन सी होगी, जो मार्च वाली बची हुई ट्रांजेक्शन है फ्रेश 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक जो की जाएगी। ठीक है, और करेक्शन वाली कौन सी होगी दोस्तों, जो करेक्शन वाली वो हो गई ना, जो अभी मिस क्लासिफिकेशन और मिस अप्रोप्रिएशन किया था, उनको सप्लीमेंट्री 2 बोल देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को घुमाना होगा मान लो एग्जामिनर को, तो ऐसे घुमा देगा कि द ट्रांजेक्शन विच आर पर्टेन टू द मार्च एंड हैज बीन क्लासिफाइड एज मिस पोस्टिंग एंड मिस क्लासिफिकेशन दैट आर रिक्रूटेड इन विच काइंड ऑफ सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा मार्च सप्लीमेंट्री करेक्शन और सप्लीमेंट्री 2। राइट, आगे देखिए दोस्तों, दीज अकाउंट्स आर क्लोज्ड बाय द CGDA ऑन द डेट्स इंटीमेटेड बाय द CGA मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो दोस्तों ये जो सारे अकाउंट्स जो हैं हमारे जो मेंटेन होते हैं, उनकी क्लोजिंग डेट कौन देगा? ठीक है, जैसे 15 अप्रैल तक खुला हुआ था, ठीक है, तो वो सारी डेट्स कौन देगा दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का, जो हमारे CGA हैं, क्योंकि अल्टीमेटली दोस्तों उन्हीं को ही सारा ऑल इंडिया जो कंपाइल करना है सारा डेटा जो डिफरेंट मिनिस्ट्री से आएगा। ठीक है, CGA कंपाइल करेंगे, आगे CAG को देंगे, पार्लियामेंट में टेबल होगा, ठीक है, कमेटी देखेगी, वो सारी चीज़ें जो है वो होगी, तो अल्टीमेटली इन्हीं को करना है, तो यही जो है सारी डेट्स जो है प्रेस्क्राइब करेंगे। आगे चलिए फ्रेंड्स, और दोस्तों अगला क्या बोल रहा है, द डेट्स ऑफ क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ PCD CDA आर इंटीमेटेड बाय द CGD ईच ईयर। और अपने PCD CDA की बात करेंगे तो अपना कौन है गुरु? CGDA। ठीक है, तो CGDA बताएगा कि भैया आप अकाउंट्स को क्लोज कर दो। ठीक है, PCD CDA आफ्टर क्लोजिंग ऑफ एनुअल अकाउंट्स क्लोज हो गया अकाउंट इफ रेक्टिफिकेशन रीएडजस्टमेंट इज नेसेसरी। ठीक है, या तो रेक्टिफिकेशन या रीएडजस्टमेंट। रेक्टिफिकेशन कौन क्या होता है दोस्तों, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, सुधार करना। ठीक है, ये तो पता ही होगा उनको, बट फिर भी मान लो किसी एक आधे परसेंट बंदे को नहीं पता। ठीक है दोस्तों, अपने 400-500 बच्चे डेली वीडियो देखते हैं अपने, तो एक को भी नहीं पता तो भी मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, रेक्टिफिकेशन का मतलब दोस्तों सुधार करना। ठीक है, मिस क्लासिफिकेशन गलत कोड हेड ऑपरेट करना, उसको मिस क्लासिफिकेशन बोलते हैं। राइट, रेक्टिफिकेशन मतलब सुधार करना, रीएडजस्टमेंट दोबारा एडजस्ट करना, पैसे का दोस्तों एडजस्टमेंट होता है, अकाउंटिंग की भाषा में पैसे का एडजस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, टर्मिनोलॉजी है दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, तो रीएडजस्टमेंट मतलब पैसे का एडजस्टमेंट करना, वो नेसेसरी है। आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट्स इफ रेक्टिफिकेशन रीएडजस्टमेंट इज नेसेसरी, अकाउंट क्लोज हो गए, ठीक है, और आपको रेक्टिफिकेशन सुधार करना है या रीएडजस्ट करना है पैसे का, तो द सेम मतलब ये दोनों चीज़ें स्टार मार्क किया है ना दोस्तों। दोस्तों जो नोट्स मेंटेन करता हूँ उसके अंदर आप देखिए दो बहुत बारीकी से चीज़ें लिखी रहती है। ठीक है, द सेम आ गया, तो दे द सेम किसके लिए आया, इनके लिए आया, विल बी कैरिड आउट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ CGA। तो ये सारी चीज़ें करनी होगी, तो दोस्तों CGA का प्रायर अप्रूवल अपने को लेना पड़ेगा। ठीक है, डेट भी यही बताएगा, अप्रूवल भी इसका लो। ठीक है, सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। अगले देखिए दोस्तों, करेंसी इन विच अकाउंट्स आर कैप्ट, ये भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ये प्रीलिम्स एग्जाम से पूछा गया था,
जो एम सी क्यू एबएस वाले थे ना पहले, पार्ट वन पार्ट टू दो होते थे, प्रीलिम्स होता था, तो उसके अंदर पूछा गया था छोटे क्वेश्चन, द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट कैप्ट इन इंडिया आर मेंटेन इन इंडियन करेंसी, इंडियन करेंसी के अंदर मेंटेन किया जाता है। फॉर्म ऑफ अकाउंट दोस्तों अगला देखते हैं, 32 नंबर के अंदर क्या है, अकाउंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी कैप्ट इन द फॉलोइंग थ्री पार्ट, तीन पार्ट के अंदर दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट रहते हैं, देखिए क्या है वो। पहला फ्रेंड्स कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा दोस्तों कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, तीसरा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। इनके आर्टिकल याद है क्या आपको, ये देखिए इनके आर्टिकल 266 का एक, 267 और 266 का सेकंड, ये तीन तो आर्टिकल हो गए। कंसोलिडेटेड फंड के अंदर कौन सा सारा पैसा आएगा, रेवेन्यू से रिलेटेड, जितना भी टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, लोन्स रेज्ड बाय द बाई इशू ट्रेजरी बिल्स, रीपेमेंट अगर लोन का हो जाए वो पैसा हम लेंगे इसके अंदर, ठीक है। और कौन सा था दोस्तों, वेज एंड मीन्स एडवांसेस से लेके, वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या होता है, आरबीआई गवर्नमेंट को एक एडवांस देती है, सुविधा देती है पैसे का खर्च करने के लिए, जो उनका मिसमैच है रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर को लेवल करने के लिए। कंटीजेंसी फंड दोस्तों अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर होता है, इंप्रेस्ड फंड होता है, ठीक है, प्रेजिडेंट के बिहाफ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर का दोस्तों सचिव इसको निकाल सकता है, ठीक है। अगला पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अकाउंट गवर्नमेंट के पास है, ये सारी बातें हमने देख ली, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, अब देखिए दोस्तों कड़ी को लिंक करते रहना, ठीक है, और सारी चीज़ें दोस्तों अंत में जाके संविधान से मिलती है, क्योंकि संविधान जो किताब है ऐसी हमारी जिसके अंदर रूल रेगुलेशन लिखे गए हैं, सबसे बड़ी दोस्तों वो है इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर संविधान जो है दोस्तों सबसे ऊपर है, ठीक है, सारी चीज़ें संविधान में जाके जुड़ जाएगी, राइट। तो देखिए कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट, देखते हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं। कंसोलिडेटेड फंड दोस्तों रेवेन्यू डिवीजन और कैपिटल डिवीजन, दो डिवीजन है कंसोलिडेटेड फंड के, रेवेन्यू और कैपिटल, ठीक है। रेवेन्यू के अंदर दोस्तों रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, कैपिटल के अंदर दोस्तों रिसिप्ट एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेब्ट, लोन्स एंड एडवांसेस, राइट। कंसोलिडेटेड फंड के अंदर दोस्तों दो डिवीजन है, रेवेन्यू और कैपिटल, रेवेन्यू क्या होता है, कैपिटल क्या होता है बताऊंगा, इसके अंदर रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, ये पता है आपको, रिसिप्ट का मतलब पैसा आया, एक्सपेंडिचर का मतलब पैसा गया, ठीक है, तनख्वाह आई, रिसिप्ट हुई, तनख्वाह गई आपकी, एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है, राइट। कंटीजेंसी फंड दोस्तों आर्टिकल 267 में और बाकी इसकी जानकारी चैप्टर 17 में दी गई है, इससे रिलेटेड दोस्तों कोड हेड मैं आपको बताऊंगा आज, लेकिन बाकी जो जानकारी है वो चैप्टर नंबर 17 में है, और बाकी मेन बातें मैंने आपको उसमें बता भी दी, इंप्रेस्ड फंड है, ठीक है। और तीसरा जो है दोस्तों वो है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, तीसरा है दोस्तों पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर आपको ये पांच बातें याद रखनी है, डेप्ट, डिपॉजिट, एडवांस, सस्पेंस, मिसलिनियस, डेप्ट, डिपॉजिट, एडवांस, सस्पेंस, मिसलिनियस, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड के अंदर पब्लिक डेप्ट, लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है, एडवांसेस वो सेम ऐसा ऐसा लग रहा है, पब्लिक डेप्ट डेप्ट जैसे लग रहा है, ठीक है, लोन्स लोन्स इसके अंदर नहीं लिए मैंने, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब इसके बारे में देखते हैं कुछ चीज़ों के बारे में कि क्या होता है। पहला तो दोस्तों पब्लिक डेप्ट के बारे में आपको बताता हूँ क्या होता है। एक तो दोस्तों जो पब्लिक डेप्ट जो टर्म है वो एक साथ यूज़ की जाती है, दोनों टर्म, ठीक है, पब्लिक डेप्ट और होता क्या है दोस्तों, पब्लिक डेप्ट और होता क्या है दोस्तों, ये देखिए फ्रेंड्स पब्लिक डेप्ट के बारे में मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी गई है, ठीक है, और किस केस में पब्लिक डेप्ट लेना पड़ता है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों पब्लिक क्या है मतलब जनता, डेप्ट मतलब क्या है, ऋण यानी कर्ज। दोस्तों इतना अच्छे से आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए बहुत रिसर्च मैंने करी है, क्योंकि हमारी किताबों के अंदर कुछ नहीं दिया गया है सपोर्ट के बारे में, ठीक है, जो पेंसिल से लिखा गया पूरा वो सारा आई हैव सर्च थोरली विकिपीडिया, इंटरनेट से, ठीक है, कुछ और सोर्सेज से, ठीक है, राइट। तो देखिए इसके अंदर क्या है दोस्तों, पब्लिक डेप्ट के बारे में क्या बताया गया, पब्लिक डेप्ट मतलब जनता का डेप्ट, जनता से ऋण, ऋण पब्लिक का मतलब जनता हो गई, लोग हो गए, डेप्ट का मतलब ऋण या कर्ज। तो पब्लिक डेप्ट का मतलब दोस्तों जो गवर्नमेंट पब्लिक से डेप्ट लेती है उसको बोलते हैं पब्लिक डेप्ट, पब्लिक ने डेप्ट नहीं लिया है, गवर्नमेंट ने पब्लिक से डेप्ट लिया है, मतलब गवर्नमेंट ने जनता से कर्ज लिया है, राइट। इसके बाद दोस्तों आता है इसके अंदर डेफिनेशन देखते हैं, लोन्स टेकन बाय गवर्नमेंट फ्रॉम पब्लिक, लोन जो है गवर्नमेंट ने लिया है किससे, पब्लिक से, ठीक है। क्यों लेगी दोस्तों गवर्नमेंट पब्लिक से लोन, गवर्नमेंट को ऐसी क्या जरूरत पड़ी दोस्तों, गवर्नमेंट के पास और बहुत सारी सोर्सेज हैं, टैक्स हैं, नॉन टैक्स हैं, कमर्शियल टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, तमाम तरीके के इनके पास टैक्सेस हैं, तो इनको क्यों जरूरत पड़ी दोस्तों, क्योंकि कई बार क्या है गवर्नमेंट की इनकम कम हो जाती है और एक्सपेंडिचर पब्लिक बढ़ जाता है, इनकम कम हो गई एक्सपेंडिचर बढ़ गया, इनकम इज़ लेस देन एक्सपेंडिचर, ठीक है, इनकम इज़ लेस देन एक्सपेंडिचर, इनकम कम हो गई एक्सपेंडिचर बढ़ गया, उस केस में दोस्तों सरकार को तो सरकार चलानी है, देश चलाना है, राजा को अपनी प्रजा चलानी है दोस्तों, राजा को अपनी प्रजा चलानी है, देन मनी इज़ द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर ईच किंग, ठीक है, मनी जो है प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, तो इनकम कम हो जाएगी, एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, तो दोस्तों क्या है गवर्नमेंट पब्लिक डेप्ट लेगी, राइट। और गवर्नमेंट डेप्ट लेना पसंद करती है बजाय इसके कि टैक्स बढ़ाए, क्यों दोस्तों ऐसा क्यों है, गवर्नमेंट जो है डेप्ट लेना पसंद करती है इसके बजाय कि वो टैक्स बढ़ा दे, ठीक है, आज मान लो आपके 28% GST लग रहा है तो उसको कह दे 56% लेंगे हम तो, ठीक है, ये भी तो कर सकती है, उनसे भी तो उनकी डबल हो जाएगी ना इनकम जो 28% दे रहे थे दोस्तों, ऐसा नहीं करती है गवर्नमेंट, क्यों नहीं करती दोस्तों, एक लिमिट तक दोस्तों इन्फ्लेशन अच्छा है, ठीक है, एक लिमिट के बाद दोस्तों इन्फ्लेशन अच्छा नहीं है, इन्फ्लेशन एक लिमिट तक अच्छा है, एक लिमिट के बाद दोस्तों इन्फ्लेशन, अब इन्फ्लेशन क्या होता है दोस्तों, महंगाई को बोलते हैं इन्फ्लेशन,
एक लिमिट के बाद अगर महंगाई बढ़ जाएगी तो दोस्तों लोगों की परचेजिंग पावर जो है इतनी कम हो जाएगी कि वो कुछ परचेज ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देश की अर्थव्यवस्था दोस्तों इसमें बैलेंस नहीं रहेगी, इसलिए दोस्तों वो पब्लिक डेब्ट लेती है गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, इनकम और एक्सपेंडिचर का जो साइकिल है उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अब पब्लिक डेब्ट दो प्रकार के होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, पब्लिक डेब्ट जो है दो प्रकार के होते हैं, एक है इंटरनल डेब्ट, एक है एक्सटर्नल डेब्ट। इंटरनल मतलब अंदर का मामला है, अंदर का मामला है मतलब इंडिया के अंदर का मामला है, ठीक। गवर्नमेंट बोरो मनी फ्रॉम इट्स ओन सिटीजन, दोस्तों जब भारत देश के अंदर के लोगों से ही गवर्नमेंट जो है प्राइवेट कंपनियों से, लोगों से, इंस्टीट्यूशन से बहुत सारा पैसा अगर वो बोरो कर लेती है, ठीक है, और ये कैसे करेगी दोस्तों, उनको उसको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी ना, तो ट्रेजरी बिल इशू करेगी, ठीक है। यही तो हम पढ़ रहे थे अभी, ट्रेजरी बिल इशू कर देगी, बॉन्ड्स इशू कर देगी, ठीक है। तो एक निश्चित टाइम के लिए उसको बोलते हैं दोस्तों मार्केट से पैसा उठाना, पब्लिक डेब्ट करना। इंटरनल डेब्ट का मतलब है गवर्नमेंट बोरो करती है मनी इसके ओन सिटीजन से, ठीक है। और दोस्तों एक्सटर्नल डेब्ट का क्या मतलब होगा, एक्सटर्नल डेब्ट का मतलब है फ्रेंड्स कि कोई बाहर की कंट्री से, फॉरेन कंट्री से गवर्नमेंट ने पैसा उठाया है। फॉरेन कंट्री से दोस्तों कैसा पैसा उठाती है, वर्ल्ड बैंक से उठा लिया, मान लो वर्ल्ड बैंक से उठा लिया, IMF से उठा लिया दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दोस्तों ये बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वर्ल्ड बैंक और IMF जो है, यहाँ से लाखों करोड़ों अरबों ट्रिलियन डॉलर रुपए गवर्नमेंट उठाती है विभिन्न देशों की, राइट। तो पब्लिक डेब्ट मैंने बताया सरकार पैसा उठाएगी पब्लिक से, ठीक है। क्यों उठाती है, क्योंकि इनकम कम होगी एक्सपेंडिचर बढ़ गया, इनकम कम होगी एक्सपेंडिचर बढ़ गया, इनकम कम होगी एक्सपेंडिचर बढ़ गया, ठीक है, राइट। दो प्रकार के होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल भैया अंदर का मामला है, इंटरनल भैया अंदर का मामला है, एक्सटर्नल भैया बाहर का मामला है। इंटरनल मतलब भारत देश के अंदर के लोगों से जो पैसा उठाएगी, एक्सटर्नल मतलब भारत के लोगों से नहीं उठा करके बाहर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, वहाँ से पैसा उठाएगी, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों, लोन्स एंड एडवांसेस की बात कर रहा हूँ मैं, पब्लिक डेब्ट मैंने अच्छे से बताया आपको, लोन्स एंड एडवांसेस की बात करते हैं दोस्तों। ये दोनों टर्म जो है एक साथ यूज़ की जाती है, लेकिन लोन्स एंड एडवांसेस दोस्तों एक साथ है नहीं, ठीक है दोस्तों। पब्लिक डेब्ट तो समझ में आया ना आपको, इशू कर देगी ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स और इंटरनल के अंदर, और एक्सटर्नल से पैसा लेना होगा तो दोस्तों वो क्या करेगी, IMF और वर्ल्ड बैंक से ले लेगी। तो ये सारा पैसा भी हम कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में डालते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका कैसा निकलता है ये पैसा, ये मैंने आपको बताया हुआ बजट अप्रोप्रिएशन अकाउंट वैसा निकलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर पब्लिक डेब्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अगला है दोस्तों लोन एंड एडवांसेज। लोन और एडवांसेज दोस्तों दो टर्म है लेकिन एक साथ यूज़ की जाती है हमेशा, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है। लोन दोस्तों एक लोन अपना सिंपल हो गया, उसको लोन बोलेंगे, और कोई सा भी लोन नहीं है ये। लोन मतलब है आप स्टडी लोन ले लो, एजुकेशन लोन ले लो, होम लोन ले लो, कार लोन ले लो, ठीक है, और भी विभिन्न प्रकार के बहुत सारे लोन देती है गवर्नमेंट, ठीक है, थ्रू बैंक्स, राइट। तो ये जो बैंक की जो दोस्तों ये लोन दिया हमें, इसकी जो रीपेमेंट करेगा ना, पहले तो लोन मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है, लोन पता लग गया आपको, हाउस लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, स्टडी लोन, ठीक है। लेकिन जब इनकी रीपेमेंट होगी ना दोस्तों, तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगी, राइट। तो उस संदर्भ में यहाँ पे लिखा हुआ है ये कंसोलिडेटेड फंड के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों लोन तो वो हो गया, और एडवांसेस क्या होता है फ्रेंड्स, एडवांसेस होता है किसी भी, देखिए मैं को डेफिनेशन बताता हूँ, एडवांसेस होता है फंड्स प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स टू द बिजनेस टू फुलफिल कैपिटल रिक्वायरमेंट। और दोस्तों जो बैंक जो है बिजनेसेस को जब पैसा देगा तो उसको बोलते हैं एडवांसेस, ठीक है। और वो दोस्तों बिजनेसेस को एक साल के अंदर अंदर, दोस्तों बैंक जो है जब बिजनेस को पैसा देगा, एग्जांपल समझिए दोस्तों, मुझे बिजली की दुकान खोलनी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की मुझे दुकान खोलनी है, तो मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी, कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो उसके अंदर मुझे क्या होगा, बैंक से मैं लोन ले लूँगा, ठीक है, और बैंक मुझे एक साल का टाइम देगा, ठीक है, और उसके अंदर मुझे मान लो 50 लाख रुपए उसने दे दिए। ये हुआ दोस्तों एडवांसेस, एडवांसेस बोलते हैं, ठीक है, एक प्रकार का लोन का ही टाइप है, इसलिए इनको एक साथ रखते हैं, पर है एडवांस। और लोन क्या हुआ, बैंक ने किसी पर्टिकुलर फर्म को ना देके, फर्म के नाम पर ना देके किसी इंडिविजुअल को दे दिया, ठीक है। डेफिनेशन पढ़िए, डेब्ट प्रोवाइडेड बाय ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है। डेब्ट, डेब्ट मतलब कर्ज या लोन, प्रोवाइड कौन करेगा, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक हो गया मान लो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, या फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक कोई भी हो सकता है, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। ये जनरली लॉन्ग टर्म होता है, और ये जनरली शॉर्ट टर्म एडवांस, लोन लॉन्ग टर्म, एडवांस शॉर्ट टर्म, ठीक है। एडवांस तो एक साल में पैसा आपको चुकाना है, लोन आपको गैप दिया जाता है 5 साल 10 साल। और दोस्तों आप कैसे चुकाते हो लोन, मान लो आपने 30 लाख लोन ले लिया, ठीक है, हाउस लोन ले लिया, ठीक है, 30 लाख है दोस्तों, बड़ी अमाउंट है, इसलिए कैपिटल के अंदर लिखा गया है, कैपिटल के भी, पब्लिक डेब्ट के अंदर, पब्लिक कैपिटल के अंदर भी लोन एंड एडवांसेज में, ठीक है, कैपिटल के अंदर भी, पब्लिक लोन, पब्लिक डेब्ट लोन एंड एडवांसेज के अंदर, ठीक है। तो मान लो लोन आपने लिया है 30 लाख का, हाउस लोन आपने लिया है, राइट। कैपिटल क्यों है दोस्तों, क्योंकि बड़ी अमाउंट है, इसलिए इसको कैपिटल कंसिडर किया है, राइट। और दोस्तों 30 लाख का जो लोन है आपने जो लिया है, अगर ये एडवांस होता तो आपको एक साल के अंदर उसको चुकाना होता। अगर आपने लोन लिया है तो दोस्तों इसकी 10 साल 20 साल की आपकी किस्तें बांध दी जाएगी, जिसको बोलते हैं EMI, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है, आप EMI के जरिए उस लोन को चुकाते हो, राइट। तो दोस्तों समझ में आ रही है ना बातें, पब्लिक डेब्ट मैंने आपको बताया, लोन्स मैंने आपको बताया जो सिंपल है, EMI के जरिए आप चुकाओगे, और लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, एडवांसेस शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, और बैंक जो है किसी भी फर्म के नाम पर इसको इशू करता है, ये इसमें फ़र्क है इतना,
ठीक है राइट। अब दोस्तों चलते हैं अपने पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया पे। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर आपको किस प्रकार की ट्रांजेक्शन देखने को मिलेगी, डेप्ट से रिलेटेड, डिपॉजिट से रिलेटेड, एडवांसेस से रिलेटेड, सस्पेंस से रिलेटेड और मिसलेनियस, ठीक है दोस्तों। तो इसके बारे में और डिटेल डिस्कशन अपने नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। तो आगे देखिए फ्रेंड्स क्या इसमें दिया गया है। कंसोलिडेटेड फंड है जो दोस्तों आर्टिकल 266 के 1 में है, ये आप बात को पता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये रेवेन्यू डिवीजन में डिवाइड था, इसके अंदर रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर थी। रिसिप्ट के अंदर क्या आएगा, जो टैक्स आएंगे मेनली, ठीक है, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो भी आएंगे, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जितने भी प्रकार के। एक्सपेंडिचर कौन सा होगा, रेवेन्यू के अंदर जो रिसिप्ट में पैसा आया है उसी से एक्सपेंडिचर कर दो। कैपिटल डिवीजन के अंदर दोस्तों रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेप्ट, लोन एंड एडवांसेस की बात करी मैंने। रिसिप्ट के अंदर जो कैपिटल नेचर की रिसिप्ट होगी वो आएगी, ठीक है। और दोस्तों वो क्या है कि विच कैन नॉट बी अप्लाइड एज ए सेट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कैपिटल रिसिप्ट होगी उसी से ही कैपिटल एक्सपेंडिचर मैं नहीं करूँगा, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है तो मेरे लिए एक अलग नियम इसमें दिए गए हैं, राइट। देखिए दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर मेट यूजली फ्रॉम द बोरोवर्ड फंड, जो आप उधार लिए गए फंड से दोस्तों जो काम करोगे वो है दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इधर ऑफ इंक्रीजिंग कॉन्क्रीट एसेट ऑफ अ मटीरियल एंड परमानेंट करेक्टर और ऑफ रिड्यूसिंग रिकरिंग लाइबिलिटी। अब दोस्तों देखिए इसके अंदर बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स है। पहली बात तो बोरोवर्ड फंड, फंड लूँगा किससे, ठीक है, कॉन्क्रीट एसेट कौन सा बनाऊंगा और रिकरिंग लाइबिलिटी मेरी कौन सी रिड्यूस हो जाएगी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले कॉन्क्रीट एसेट है, मतलब मुझे ब्रिज बनाना है, आई हैव टू मेक द ओवरब्रिज, ओवरब्रिज मुझे बनाना है। और दोस्तों जो इंडिया के अंदर एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो बुलेट ट्रेन का, ये दो एग्जांपल लेता हूँ। कॉन्क्रीट एसेट है, ऐसा तो नहीं है ब्रिज एक दिन में डह जाएगा, ऐसा तो नहीं है बुलेट ट्रेन 6 महीने चलेगी, इनके जो ट्रैक्स है परमानेंट है, 100 साल 50 साल चलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ब्रिज को बनाने के लिए, बुलेट ट्रेन को बनाने के लिए, बुलेट ट्रेन का एग्जांपल लीजिए आप, इसके अंदर लाखों करोड़ों रुपए हमारे लगेंगे। तो दोस्तों ये सारा जो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, इंडिया ने जापान से दोस्तों उधार लिया है पैसा बहुत ही कम इंटरेस्ट के रेट पे और बहुत ही लंबे टाइम के लिए, राइट। तो इसको बोलते हैं दोस्तों बोरोवर्ड फंड। किससे लिया है दोस्तों, शिंजो आबे वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो दोस्तों इंडिया के विजिट पे आए थे जब, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनसे, शिंजो आबे जी से जो है बोरोवर्ड लिया, फंड लिया, ठीक है, बुलेट ट्रेन को बनाने के लिए, राइट। एक प्रकार का कॉन्क्रीट एसेट है ये, ठीक है, समझ में आई दोस्तों बात, कि बोरोवर्ड फंड उधार लिया शिंजो आबे से, ठीक है, उनके देश के राष्ट्रपति से, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ठीक है। तो इसको बोलते हैं उधार लिया वो फंड, विद द ऑब्जेक्ट इधर ऑफ इंक्रीजिंग कॉन्क्रीट एसेट, या तो कॉन्क्रीट एसेट हो गया या ऑफ मटेरियल या परमानेंट करेक्टर, परमानेंट करेक्टर परमानेंट ही रहेगी, ये ब्रिज और ये ट्रेनें जो हैं, ठीक है। अगर है दोस्तों इसको समझिए रिड्यूसिंग ऑफ रिकरिंग लाइबिलिटी, अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर देते हो तो आपकी जो रिकरिंग, मतलब जो बार बार जो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं वो कम हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। कैसे, आपने दोस्तों लोन लिया, हाउस लोन का एग्जांपल ले लो, ठीक है, आपने 1 करोड़ रुपया जो है लोन ले लिया बैंक से, ठीक है, तो आपकी वो 30 साल की मान लो किस्त उसने लगा दी, ईएमआई कर दी, ठीक है। तो ये दोस्तों एक रिकरिंग लाइबिलिटी है, आपको हर महीने बैंक में जाना पड़ेगा या ऑनलाइन जो भी है, 1 करोड़ की किस्त है तो मान लो उसने 50,000 रुपये पर मंथ बांध दी कि आप इतने साल तक दोगे तो आपको 1 करोड़ का लोन उतर जाएगा। तो दोस्तों एक रिकरिंग लाइबिलिटी है, बार बार हो रही है, आपको हर महीने इन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार की लाइबिलिटी से अगर आपको मुक्ति पानी है तो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दीजिए, 1 करोड़ रुपये उस बैंक के जाके जमा करवा दीजिए, आपकी रिकरिंग लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। और दोस्तों कैपिटल जो नेचर है, मतलब बड़ा, ठीक है, आगे चलिए फ्रेंड्स। तो दोस्तों आगे पब्लिक डेप्ट एंड लोन्स एंड एडवांसेस के बारे में बताया गया है, तो दोस्तों इसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, ठीक है। तो इसको मेरे को एडिट करने में, अपलोड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम सामना करेगा, तो इसका मैं सेकंड पार्ट में आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा और पिछला भी रिवाइज़ करवा दूंगा, ठीक है। और कुछ भी नहीं समझ में आया तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे कमेंट्स का जवाब दे सकूं, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।